आपका नाम आप हमें बताएं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा हमें बताएं कि कब स्टार्ट हुई थी. ठीक है बेटा, मेरा नाम आलिया सारिम बर्नी है और मैं वाइस चेयरपर्सन हूँ सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल की. सारिम साहब को 30 साल हो गए तकरीबन और मुझे तकरीबन 25 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इस फील्ड में. जी सर, ऐसे ही है, ऐसी बात है आयशा. चलिए आइए, मैं आपको बिस्किट दूँ. मेरी इंटेंशन तो ये थी कि मैं अल्लाह से एक बार क्या करती थी, पहले छोटी थी समझ में नहीं आता था क्योंकि भी कितना ताला आप मुझसे कोई अच्छा काम करवा लें. उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि अच्छा काम कौन सा अल्लाह ताला चुनेगा, अल्लाह ताला मुझे कहाँ ले जाएगा. तो कहते हैं ना कि वेलफेयर का काम वो इंसान लकी होते हैं जिनसे अल्लाह ताला ये काम लेता है. तो मैं ये समझती हूँ कि चोजन वन हूँ और बहुत ब्लेस्ड हूँ अल्लाह ताला की तरफ से कहीं आप उसे काम ले. देखिए औरत के लिए एक सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जब हक की बात करती है, लेट्स सपोज कि वो अगर जायदाद की बात करती है तो फिर उसी के रिश्तेदार, उसी के भाई, उसी के लोग उसको जायदाद में हिस्सा देने के बजाय उसको कहते हैं कि या खामोश हो जाओ या जायदाद हमारे नाम कर दो या फिर घर से निकल. आजकल सोशल मीडिया का इतना दौर है तो आपका क्या ओपिनियन है? सोशल मीडिया हेल्पफुल रहा है, औरत के पास पावर आई है. इस वक्त गांव देहात की भी कोई औरत, कोई बच्ची वो अपनी वीडियो बनाती है, वो अपलोड करती है, पूरी दुनिया में चली जाती है. ये हथियार तो उसके हाथ में आ गया है, वो इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वो मिसगाइड हो रही है. उसकी वजह मिसगाइड की क्या है कि पहले तो हमें अपनी बच्चियों को, औरतों को उनसे बातचीत करके उन्हें ये उनसे निकलवाना पड़ेगा कि वो क्या चाहती हैं और क्या नहीं चाहती हैं. जो इस वक्त एक मिक्सअप हुई हुई चीज है वो ये कि बच्चियों को मालूम ही नहीं है कि किस तहरीक में क्या चीज बताई जा रही है. जो भी उनको एक तरह आजादी के नाम पर जो भी तहरीक निकलती है वो उसके पीछे चल पड़ती है, उनको लगता है ये उनकी मंजिल. मैं यहाँ पे 11 महीने हो गए, मैं यहाँ पे आई थी अपने 4 बच्चों को लेकर आई थी. मेरे हस्बैंड नशा वगैरह करते हैं, घर में मार पिटाई करते हैं. आई लव मैरिज थी तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ, बस घर के हालात से तंग होकर आई. तो आपके बच्चे भी आए हैं और उनकी क्या एज है, क्या वो यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पर भी? मेरे 4 बच्चे हैं, बड़ी बेटी 11 साल की है, छोटी बेटी 10 साल की है, बेटा 3 साल 2 महीने का है और एक बेटी 1 साल 10 महीने की है. 4 बच्चे हैं और यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है बहुत खुश हैं. स्कूल वगैरह पढ़ रहे हैं, खेल कूद होता है, टीवी रूम में टीवी देखने जाते हैं. एक औरत अब्यूसिव सिचुएशन छोड़ के नहीं जाती. माशरा, उसके आसपास के लोग, क्योंकि उसे ये पता होता है कि वो किन हालात से गुजर रही है, किन मुश्किलात से गुजर रही है. लोगों को भी पता होता है, ऐसी बात नहीं कि उन्हें नहीं मालूम, उन्हें सब मालूम होता है, लेकिन वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उसे भी यही मशवरा देते हैं कि आप भी अपनी आंखें बंद कर लें, आप सुन हो जाएं, कुछ नहीं हो रहा. जैसा भी है बच्चों का बाप है. तो हमारा माशरा, हमारे यहाँ औरतों को ये बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता कि वो अपने लिए कोई फ़ैसला कर सकें. बच्चे माँ के लिए एक हर्डल बन जाते हैं जबकि उनको माँ की स्ट्रेंथ होना चाहिए. वो फिर बेचारी कश्मकश में लग जाती है कि लोग जो कह रहे हैं वो सही है या जो मेरा दिल कह रहा है. तो क्या आपका कोई कांटेक्ट हुआ है अपने शौहर से इस पूरे टाइम में? 11 महीने में आए थे, एक दो बार आए थे, लेकिन उसके बाद कोई रब्ता वाबता कुछ नहीं. और जब वो आए थे क्या वो तब भी नशा कर रहे थे, तब भी इस सब में है, मतलब इस चीज़ का नहीं पता आपको? नहीं पता कोई बात है. तो क्या आप कभी वापस जाना चाहेंगी? क्योंकि आपकी लव मैरिज थी, आई अंडरस्टैंड आपके साथ बहुत गलत हुआ है, जो नशा लेकर बहुत गलत हुआ और मारना एक बहुत गलत है. क्या आप कभी वापस जाना चाहेंगी? अम्मी अबू भाई बहन वगैरह मिलने आते हैं और बच्चों की वजह से यहाँ पे रुकी हुई हूँ. जैसे ही बाहर का मामला वगैरह भाभी जो बेटर समझेंगी वो एक बेटिया है. आपका नाम? मेरा नाम नाजिया है. नाजिया, अच्छा नाजिया आप मुझे बताएं आप यहाँ कैसे आई और आप यहाँ कब आई, थोड़ा उसके बारे में बताएं. 8 महीने हो गए आई को. 4 महीने हो गए? 8 महीने हो गए. सही. और आप यहाँ क्यों आई, क्या आपको
आपको कैसे पता चला कि वुमेन्स शेल्टर है सारे वर्ल्ड का? किसने बताया आपको? बस मेरे को दोस्त थी, वो छोड़ के गई थी. आपकी दोस्त आपको छोड़ के गई थी? तो ये दोस्त आपकी कोई नेबर थी, कहाँ आपकी पड़ोसी थी, कहाँ से मिली, क्या है? नहीं, मेरी पड़ोसी थी. पड़ोसी नहीं थी? अच्छा, तो क्या रीज़न है आप यहाँ क्यों आई? आप क्या क्या आपका पेशा क्या था? क्या कर रही थी यहाँ आने से? मैं गई शादी शुदा, मेरे ना के घर पे थोड़ा सा मसला था, मैंने किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत की थी, तो वो आगे मुझे उसने गलत जगह पे छोड़ दिया था. आपका कोई शादी शुदा मसला था, आपने किसी से हेल्प लेने की कोशिश की, तो उन्होंने आपको किसी गलत जगह पे छोड़ दिया. तो ये गलत जगह क्या, वहाँ पे क्या हो रहा था? ज़बरदस्ती हो रही थी, ये हो रहा था ज़बरदस्ती. क्या कितना टाइम आपने वो सहा? 4 साल तो मैंने सहाया. 4 साल सहाया आपने. तो फिर आपके पास कैसे वो ताकत आई कि नहीं मुझे अब ये नहीं करना, मुझे निकलना है इससे? मैंने बस किसी को बोला था कि मुझे आप मेरी मदद कर दो, मुझे यहाँ तक भेज दो. उसने फिर मुझे किसी ने मदद की, मैं यहाँ पे आ गई. आपने टाइम से ट्राई कर रही थी, कोशिश कर रही थी वहाँ से निकलने की? 1 साल लग गया था मुझे. तो आप बोल रही हैं 3, आपने 4 साल पूरा वहाँ पे गुजारा, 3 साल के बाद आपको एहसास हुआ कि नहीं मुझे निकलना है जी. अच्छा, तो आपकी वहाँ पे आपकी किसी ने मदद की, आपकी जो बाकी लोग वहाँ थे या क्या? आप मैंने तो किसी की मदद करने की कोशिश नहीं की, फिलहाल मैंने अपना उधर से निकलने की कोशिश की कि मैं इधर से निकल जाऊँ. अच्छा, तो ये कराची के किस एरिया में कहाँ थी आप जब हो रहा था? हैदराबाद. हैदराबाद में हुआ था ये? तो हैदराबाद से आप कराची शिफ्ट हुए जी. अच्छा, और वहाँ का क्या वहाँ पे वही होता है जिस एरिया में आप थी वहाँ पे वही हो रहा था? हर रोज़ लोग आ रहे थे इस तरह से, और दिन में मतलब ऐसे ही आदमी 5-10 इस तरह से होता था जी. सही. अच्छा, तो फिर आपको आपकी दोस्त ने आपको यहाँ छोड़ा. आप रिपीट कर सकती हैं, 8 महीने पहले आई थी जी. सही. तो फिर आप जब यहाँ आए, आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा? आपको आईएस आरएन ने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया, किस तरह आपकी मदद की यहाँ बाबा? तो इधर बहुत अच्छा रह रहा है, बहुत अच्छे लोग हैं. आपने क्या यहाँ आते आपको क्या महसूस हुआ कि यार वो तो एक जहन्नम की तरह एक जगह है ना, और फिर एक अच्छी एक सुकून की जगह, जन्नत जैसी जगह आपको मिल रही है? क्या आप यहाँ पर आप क्या करती हैं हर दिन? आपकी कोई दोस्त है, कोई बेस्ट फ्रेंड है आपकी, क्या है? सारा दिन मैं यहाँ पर आराम करती है. तो जो आपने कहा था आपकी मैरिज थी और उसमें इशू, आपकी शादी थी सॉरी, शादी में एक इशू प्रॉब्लम मसला हो गया था, तो वो क्या मसला था? क्या आपकी लव मैरिज थी? क्या था? आपका कज़न था? कौन था वो? क्या था? मोहब्बत से हुई थी? मोहब्बत नहीं थी, अरेंज मैरिज थी. तो ये कौन था? ये आप कहाँ से मिला आपको? बहन के रिश्तेदार था. तो आप दोनों के बीच में ऐसा क्या मसला हुआ कि आपने फिर हेल्प मांगी किसी से? वो कारोबार नहीं करता, वो कारोबार काम नहीं करता तो आपने हेल्प किससे मांगी थी? पड़ोसी औरत से मांगी. आपने औरत से हेल्प मांगी थी, पड़ोसी, और उसने आपको इस काम में लगा दिया?
तो जब आप वहाँ पर थीं तब आपने अपनी बहन से रابطہ नहीं करा? नहीं, मैं जब आई थी ना तो मैंने उसे डराने की कोशिश की कि पीछे तो किसी से भी रابطہ करेंगे ना तो मुझे वो मार देंगे। कौन मार देंगे जो चला रहे? मार देंगे या ससुराल वाले मार देंगे। तो आपने 4 साल किसी से भी बात नहीं की अपने फैमिली में से किसी से? उनको ये पता नहीं था आप कहाँ हैं? तो आज क्या उनको पता है आप कहाँ हैं? क्या आप उनसे मिलती हैं? क्या वो आपसे मिलने आते हैं? अच्छा, तो अभी आप जो रही हैं 8 महीने आते जाते रहे हैं, आते हैं मिलते हैं। अच्छा, तो आप उनके साथ क्यों नहीं रहती? क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ रहें? आप सोच रही हैं, आप सोच रही हैं जो आपके लिए बेहतर होगा आप वही फैसला करेंगे। आपका नाम क्या है? आपका नाम कुलसुम है। कुलसुम, आप यहाँ पे क्यों आई थी और कितना टाइम हो गया कि आप यहाँ पे रह रही हैं? 4 साल हो गए हैं, सही। तो आपका आने यहाँ आने की वजह क्या थी? आप थोड़ा बताएं, क्या आप कहीं काम करती थी? उनकी जो जिन लोगों के घर में आप काम करती थी उन्होंने कुछ किया आपके साथ? क्या हो गया था कि उन्होंने आप पे इस तरह से कुछ भी तशद्दुद किया? क्यों आपको क्या हुआ था? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। आप वहाँ पे कितने साल से काम कर रही थी? दिन रात आप वहाँ काम करती थी? अच्छा, तो आप उनके साथ 1 साल से थी, 2 साल से थी, क्या आप क्या था? आप कराची से ही हैं? कराची से ही हैं, तो फिर आपने कितना अरसा वहाँ पर आपने काम किया? तो आप पहले तो आप मुझे बताएं, आप इस काम में कैसे हैं? आप कैसे एक लोगों के घर में जाके आप मदद करती हैं, उनका काम करती हैं ना, उनका घर की सफाई ये वो, आप इस काम में कैसे आए? आपकी अम्मी भी यही करती थी? नहीं, आपकी अम्मी क्या करती थी? आपकी अम्मी नहीं। तो आपको किसने बड़ा किया? किसने? आपकी अब्बू ने। फिर आपकी अब्बू ने आपको कहा कि बेटा ये काम कर लो पैसे कमाने के? तो आप किसी के घर में जाके काम करती थी देर दिन और रात? तो ये कितने महीने किया, कितने साल किया आपने उस घर में? काफ़ी साल, मतलब 4-5 साल किया होगा। अच्छा, तो फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ? क्या वो लोग अच्छे थे? क्या वो लोग थे ही बुरे? आप मुझे उनके बारे में थोड़ा बताएं, उन लोगों के बारे में। क्या वो बुरे लोग थे? क्या वो आपको खाना अच्छा देते थे, मोहब्बत से रहते कैसे थे? लोग कैसे लोग कैसे थे? वो अच्छे नहीं थे, स्टार्टिंग से ही अच्छे नहीं थे, बिल्कुल शुरू से वो अच्छे लोग थे। तो क्या करते थे? क्या उसकी क्या वो उनकी अम्मा आपको कुछ सुनाती थी, कुछ कहती थी? बच्चे बदतमीज थे, शौहर बदतमीज था, क्या था? जी, वो खुद बदतमीज थी औरत। कहाँ उनका घर? कहाँ पर? कराची में कहाँ था? डिफेंस में था। तो वो औरत क्या कहती थी आपको? आप ही कुछ मुझे बताएंगी कि आप काम सही नहीं करती? अगर आप थोड़ा बताएं कि काम सही नहीं करती, आप इस तरह से कुछ कहती थी ये सब आपको, जबकि आप काम बहुत? अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाती थी तो वो कैसे किस तरह से वो आप जैसे आप समझें, आपको उन्होंने बोला यहाँ पे झाड़ू लगा दो, यहाँ पोंछा लगा दो, आप यही करती थी? तो अगर कुछ आपसे गलती हो गई तो क्या वो आपको डांटती थी? क्या बोलती थी? कुछ मारती थी या डांटती थी? मारती थी। किस तरीके से मुझे ज़रा बताएंगी आप? किससे मारती थी? थप्पड़ मारती थी आपको? तो आपने ये सहा, काफ़ी साल आपने ये सहा,